शहीद आजम भगत सिंह होर दे अज दे दिन जन्म होया। ता परिवार ने सोचा चाचा जी पहले ही जलावतनी कट रहे सी, देश निकाला देता सी सरदार अजीत सिंह जी नू अंग्रेजा ने, कि आ मुंडा भी उधर ही जाता लगता है, इहदा विआह कर दिंदे आ। आम तौर पर अपने हुंदा है कि जदों मुंडा घरदिआं दे मनपसंद दे काम वल ना जावे तां कहिंदे विआह कर दो, कबीलदारी च पै जूगा। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਦਣਾ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੇ, कि जिहड़ी मेरी कलम है जिहदे नाल मैं लिखदा वह मेरे सुभाव बारे इन्नी जाणू हो गई, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। यह जे योधे और किन्ने किस्से सुन लो। राजगुरु जी पूने तो सी, हिंदी बोलते सी, वो भगत सिंह होर तो बहुत कुछ लिखते रहेंगे सी, अखबारों एडिटोरियल भी लिखते सी, वतन प्रस्ती के गीत भी लिखते सी। राजगुरु कुछ लिखता नहीं सी, उन्हें मजाक करते रहेंगे सी, राजगुरु तू कदे लिखेंगा कुछ? वो कहना मैं लिखूंगा कदे, कहते नहीं लिख सकता तू यार। मुंडे खुंडे सी, 18-19 साल दी उम्र सी, अजे इनकलाब सी। फिर पूछ लिया करन महीने के बाद, राजगुरु कुछ लिखया? कहते नहीं अभी नहीं लिखा कुछ, कब लिखेगा? लिखूंगा, उसको भी कभी कोई स्टेज पर पड़ेगा यार, देखते हैं। फांसी का हुक्म हो गया जेल च, कहते राजगुरु किवें है? लिखूंगा, कहता। फांसी वाला दिन आ गया जी, अर्ली मॉर्निंग फांसी, सवेरे 4 बजे 3:30 बजे आके फांसी वाले उठा लेंदे है जी कि उठो बई नहा लो, अज थोड़ा आखिरी दिन है। जदों आया सिपाही, फिर पूछा राजगुरु, राजगुरु कुछ लिखा? अब तो फांसी के लिए जाने वाले हैं। तो राजगुरु ने उस सिपाही नूं कहा, यार एक कोला लिया दे, कंध ते कुछ लिख के जाना है। ने मजाक ही करते रहेंगे सारी, मैनू अगले जन्म च बस यही मजाक ही मेरे दिल च रह जूगा। उस सिपाही ने कोला लिया था, क्योंकि फांसी वाले जिहड़े कैदी होंदे उन्हां कोल सब कुछ खो लैंदे ने कि कोई अपने आप नूं कोई नुकसान ना पहुँचा लैण। वह कोले नाल 2 लाइनां लिखिया सेंट्रल जेल लाहौर की कंध ते। दुख की गल यह है सानू पढ़ाइया नहीं गई, वह की लिखा राजगुरु ने, कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इनिया गल् लिखिया भाई, अद्धे घंटे बाद फांसी हो गई यार। जे चुप रह लेंदे वह भी 90-90 साल के हो जाते। आपा कह दें आपा की लेना है, क्यों नहीं लेना भाई, आपा ही लेना है। सो यह जिहड़ियां कुरबानियां ने इन्हां नूं याद करना साडा फर्ज बनता। ये कोई आपां सहन नहीं कर रहे, इन्हां नूं याद करके आपां अपने पुरखियां नूं याद कर रहे हैं। नवें बच्चे आए ने अज, बहुत सारे बच्चे पहली बार आए होणगे अज, वह देखणगे भी किवें होया सी आजादी का संघर्ष, किवें पढ़िया गया आजादी के परवानिया ने, किवें अपनी जाना, किवें फांसी नूं मजाक करता सी भगत सिंह। कहिंदा तैथों होर होणगे जिहड़े डरदे ने, सानू कोई परवाह नहीं। वो बंदे उन्हां दीआं यादां मनाउणियां तां अपना फर्ज बनना।